नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बीमारी से तंग आकर युवती ने फांसी लगाई। बीमारी से तंग आकर एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक सद्भावना कॉलोनी पाटन सावंगी निवासी करिश्मा किशोर तुसावर है। घटना सोमवार 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे उजागर हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार करिश्मा कुछ दिनों से बीमार थी। सोमवार की सुबह वह अपने कमरे में थी। दरवाजा भीतर से बंद कर उसने सीलिंग फैन से साड़ी का फंदा बांधकर फांसी लगा दी। परिजनों को इसकी भनक लगने पर उन्होंने सावनेर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। सावनेर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। हवलदार जुनगरे जांच कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर शराब बेचते हुए गिरफ्तार। उमरेड स्थानीय जोगी थाना परिसर में सोमवार को पुलिस ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। उनके पास से 3,500 रुपए की शराब बरामद की गई। आरोपी में कावरापेट निवासी धीरज किशोर भार सिंगे और मालती जाधव खाम्बाटकर जोगी थाना का समावेश है। पुलिस कर्मी आशीष खोटे, नितेश मेशराम, अमोल मांडरे, नंद किशोर शेंडे, दुर्गा गाते ने इस कार्रवाई में भाग लिया। फिलहाल अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।